सांझी रसोई बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेसिपी साझा कर रही हूँ दही की सब्जी की। उसके लिए मैंने प्याज लिया है, ये रफली चॉप किया हुआ प्याज है, दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है ये, और साथ में बेसन ले रही हूँ मैं। और रेसिपी हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल, हम इसमें डालेंगे बेसन। मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे हम। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है, अगर आपको लगे कि और बेसन डालने की जरूरत है आप और डाल सकते हैं। इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे जो बेसन हमने और डाला है, और अच्छे से इसको हिला लेंगे। एक मिनट हो गया, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ जीरा पाउडर, इसको हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप हरी मिर्च वगैरह तीखा ज्यादा पसंद नहीं करते तो आप ये रेसिपी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें हमने हरी मिर्च नहीं डाली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, ये घर का दही है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक कटोरी पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। ये जो दही की सब्जी है ये इंस्टेंट कड़ी की तरह है, जैसे अगर आपको इंस्टेंट कड़ी बनानी हो, कड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये जल्दी बन जाता है, बन जाती है वैसे भी। और इसको हम लो फ्लेम कर दिया है हमने, इसको पकने देंगे, इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। इसको हम ढक के रखेंगे, प्लेट हटा के देखते हैं। 15 मिनट हो गए हमारे, बस से 15 मिनट रखना है बस। और अब हम इसमें डालेंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला, और डालेंगे कसूरी मेथी, आप चाहे तो हरे धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। और इस पे हम डालेंगे ऊपर से हरी मिर्चें। हमने लंबी डाली है, आप जैसे आपको पसंद है बारीक भी डाल सकते हैं। और ये हमारी रेसिपी तैयार है, हम गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल की और वीडियोस देखिए, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।